हाय फ्रेंड, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बताने वाले हैं फुल कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग। कॉलर की कटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले कुर्ती की गले की गोलाई नाप लेनी है। गोलाई हमारी जितनी आएगी उसी के हिसाब से हमें कॉलर की लंबाई लेनी है। अब हम चलते हैं, नाप लगाते हैं कॉलर में। यहाँ से हमें इंची टेप रखना है और एक निशान हम 4 इंच पे लगाएंगे। इसके बाद 8.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। 17 इंच का हमारा कॉलर बनेगा। एक इंच हम यहाँ ऊपर से लेते हुए एक निशान यहाँ हम लगाएंगे। अब यहाँ हमने 4 इंच पे जो निशान लगाया था, ये 4 इंच का निशान, और हम यहाँ जो 1 इंच का निशान लगाए थे, यहाँ से हमें यहाँ तक गोलाई देनी है। हल्की गोलाई देते हुए हमें इसमें मिलाना है। इसके बाद 1 इंच या 1.25 इंच हम यहाँ से लेंगे इसकी चौड़ाई कॉलर की। हमने यहाँ 1 इंच रखा है। यहाँ से हमें एक सीधी लकीर खींच लेते हैं। फिर यहाँ से हमें थोड़ी सी गोलाई देते हुए इसमें मिलाना है। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। हमारे कॉलर की कटिंग हो चुकी है। अब हमें एक कपड़ा लेना है। कॉलर बकरम में जिस तरफ हमें गोद लगा है, हम उसी तरफ कपड़े को ऐसे रखेंगे। इसके बाद हमें इसको प्रेस कर देना है। प्रेस करके हम इसे चिपका लेंगे। हाँ फ्रेंड, हमने ये बकरम को हमने चिपका लिया है कपड़े में। अब इसे हम 1/2 इंच हमने छोड़ते हुए चिपकाया है। अब इसे फोल्ड करके हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। हमने सिलाई लगा लिया है। अब हम इसे ऐसे कपड़े में ऐसे पलट लेंगे। यहाँ से हमें ऐसे सीधी सिलाई लगानी है बुकरम के किनारे किनारे।
सिलाई लगाने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम दो पैर का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमें छोटे छोटे कट लगा देना है। इसे हमें बराबर करते हुए सेंटर में एक निशान लगाना है। चाहे आप निशान लगाएं या फिर कट लगा लें। इसके बाद हम कुर्ती में इसे अटैच करेंगे।